और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ अबाउट स्पेस एंड अर्थ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। लेटर डी कंट्रीज। दोस्तों, इंसान कई सालों से धरती पर रह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहले वो आदि मानव थे लेकिन अब वो इंसान हैं और अलग अलग कल्चर यानी कि संस्कृति से रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लेटर डी नाम से कितने देश हैं? वेल, इसका आंसर है 4। लेटर डी नाम से केवल 4 देश हैं, डेनमार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका और जिबाउती। तो दोस्तों, इन सब के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि लेटर डी से स्टार्ट होता हो। सॉइल जर्म्स। दोस्तों, एक छोटे से टीस्पून में अगर हम मिट्टी उठाएं तो उसमें कितने जर्म्स हो सकते हैं? वेल, इसका आंसर बताता हूँ। पूरी दुनिया में 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 700 करोड़ 80 लाख। तो एक चम्मच टीस्पून में अगर आप मिट्टी लेते हैं तो उसमें 7.8 बिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया, जितनी पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया। इसमें कई सारे गंदे बैक्टीरिया भी होते हैं और कई सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। एंट्स अटैक। दोस्तों, हम इन छोटी सी चींटियों को देखकर उनमें अपनी ताकत दिखाते हैं और उनको फिर अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी इंसानों के लिए पूरी दुनिया में करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख चींटियां हैं। दोस्तों, अगर ये वहाँ हमला करने लगी तो इंसानों का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, भूलिएगा मत, ये चींटियां कभी ना ही कभी सोती हैं, ना ही इनमें लंग्स होते हैं ताकि ये सांस ले सके। तो अगली बार चींटी को मारने से पहले सोचिएगा ज़रूर। सेव अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसमें कई सारे जानवर की प्रजातियां रहती हैं। दोस्तों, ये ऐसा जंगल है कि पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन यही जंगल देता है, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि यही जंगल बहुत तेज़ी से आग में जल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। द प्लेस विदाउट ग्रेविटी। दोस्तों, कैनेडा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम ग्रेविटी है, बिल्कुल ग्रेविटी हो ऐसा मैंने नहीं कहा, वहाँ पर कम ग्रेविटी है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग सही से ज़मीन पर नहीं रहते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं पर वो लोग सेफ रहते हैं। वहाँ पर कई बार कुछ ऐसे मामले भी देखने को आए हैं। ह्यूमन वर्क इन स्पेस। दोस्तों, इंसान ने अपने काम व्यापार के लिए धरती को तो नहीं छोड़ा, उसने घर बनाए जिससे जंगल कट गए, यहाँ तक कि कई ऐसे काम किए हैं जिसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन उसने अब स्पेस भी नहीं छोड़ा। अर्थ के ऑर्बिट में इस वक्त करीब 22,000 ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि घूमते हैं स्पेस में। दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सनलाइट सीक्रेट। दोस्तों, आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा होगा कि लाइट को सन के सरफेस से आने में 8 मिनट 22 सेकंड्स लगते हैं अर्थ तक, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सन के कोर से यानी कि सेंटर से लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? वेल, इसका आंसर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि सन के कोर से लाइट को आने में 1 लाख ईयर्स लग जाते हैं। 1 लाख ईयर्स। सन के सरफेस से आने में 8 मिनट और 22 सेकंड्स लगते हैं और सन के कोर से आने में 1 लाख ईयर्स लगते हैं। बहुत हैरानी वाली बात है। मून इज गोइंग अवे। दोस्तों, हमारी अर्थ की केवल एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून यानी कि चांद। ये हर साल हमसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। ये हर साल हमसे 3.78 सेंटीमीटर यानी कि 1.48 इंच दूर जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। स्पीड ऑफ द अर्थ। दोस्तों, अर्थ अपने ऑर्बिट पर रोटेट करती रहती है, लेकिन आप जानते हैं कितनी स्पीड से रोटेट करती है? ये रोटेट होती है 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कितनी तेज है अभी बताता हूँ, ये है करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड। इसी की वजह से हमारे दिन 24 घंटे लंबे होते हैं। अर्थ डुप्लीकेट्स। दोस्तों, मेरे पास फोटो तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ ऐसे प्लैनेट हैं पूरे यूनिवर्स में जो कि अर्थ जैसे हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको हमें कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसे अगले वीडियो से इम्प्रूव करेंगे। गुड बाय।